आज का प्रातः क्लास है तेईस अप्रैल 1968। बाप बैठ करके सभी की आत्माओं को समझाते हैं तो शरीर भी याद पड़ते हैं, आत्मा भी याद पड़ती है, क्योंकि शरीर के बगैर कोई आत्मा को याद नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं याद किया जा सकता? बीज रूप में देखने में तो सब आत्माएं बिंदु बिंदु एक जैसी हैं, परंतु पार्टिकुलरली कैसे पता चले कौन सी आत्मा को याद किया? तो शरीर भी चाहिए, चेहरा मोहरा भी चाहिए, और फिर समझा जाता है ये आत्मा अच्छी है। कहते भी हैं मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है। इस आत्मा को क्या शौक है? ये बहिर्मुखी है, ये इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, और ये आत्मा इस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है, फिर फलाने की आत्मा को याद किया जाता है। फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनमें ये गुण हैं। तो पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आवेगा, क्योंकि शरीर बड़ी चीज है। फिर आत्मा तो बहुत सूक्ष्म छोटी बिंदी है, वो याद आवेगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है, महिमा तो आत्मा की ही की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे भी अच्छी है। तो पहले शरीर याद आता है, इनको अनेक शरीर अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। शरीर का नाम इनको याद नहीं आता, सिर्फ इनको रूप याद आता है। इनको इनकी बात बताई। अरे जिस तन में प्रवेश करते हैं उनकी बात बताई। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे तुम समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, चलते फिरते हो बाबा के साथ हो, जानते हो इनके तन में बाबा है, तो तन अर्थात शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें? अरे शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें ना। कोई कहते हैं परमधाम में याद करें। बहुतों को ये प्रश्न उठता है कहाँ याद करें। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु आत्मा कहाँ विराजमान है इस समय वो भी ध्यान देना पड़ता है। शरीर भी जरूर याद पड़ेगा, पहले शरीर
फिर आत्मा बाबा इनके शरीर में बैठा है तो शरीर जरूर याद पड़ेगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में ये गुण है, ये अवगुण है, बाप भी देखते हैं, कौन मुझे याद करते हैं और किस में कितने गुण हैं, किस फूल में कौन कौन सी खुशबुएं हैं। फूलों से दिल जाती है ना, गुलदस्ता बनाते हैं उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न प्रकार के फूल सभी डालते हैं और बाबा की नजर तो खास फूलों की तरफ ही जाएगी। कहेंगे मनोहर की आत्मा बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी सर्विस करती है, बल सर्विस बहुत है, यहाँ वहाँ भागना पड़ता है, फिर भी आत्मा अभिमानी रहे बाप को याद करती रहती है। जहाँ सर्विस देखते हैं वहाँ भागती है, इसकी बात बताइए मनोहर दादी की। हद की भी मनोहर है, फिर बेहद की भी मनोहर है, फिर मनोहर सवेरे उठकर याद में बैठती होगी तो किसको याद करती होगी। शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा, बाबा तो याद आता होगा ना। इसमें शिव बाबा है क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया ना, ऊपर तो नहीं बैठा है। मुरली चलाने तो जरूर नीचे आते हैं, उनको अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा। अभी संगम युग में वहां जाकर के क्या करेंगे, तो इस तन में ही प्रवेश करते हैं तो पहले जरूर शरीर याद आवेगा, बाद में आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है वो बड़ी अनन्य अच्छी है, उनको सर्विस के बगैर और कोई भी चीज सूझती नहीं, बहुत मीठी आत्मा है। बाबा बैठे रहते हैं तो सभी को देखते रहते हैं, फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है, बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती रहती है, तो देखो कितना प्रेम से याद करती होंगी। एक समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है, 63 जन्मों का हिसाब किताब है ना, कर्मों की गुह्य गति बड़ी भारी है। जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू आ जाते हैं और कब कब तो वो आंसू नीचे भी गिर पड़ते हैं। बाबा को और क्या धंधा होता है, सभी को याद करते रहते हैं, बहुत बच्चियां याद आती हैं, देखते हैं इस आत्मा में तो कुछ दम नहीं है, ये तो बाप को याद ही नहीं करती है, इनकी आत्मा बहुत चंचल है, किसको भी सुख नहीं दे सकती है, ये आत्मा अपना ही कल्याण नहीं कर सकती है। तो बाप तो यही बातें जांच करते होंगे,
याद करना माना उसको सकाश मिलती है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन रहता है ना। एक दिन आवेगा जबकि तुम बच्चे योग बल में बहुत अच्छी रीति रहेंगे, तब जब 63 जन्मों का कर्म बंधन खलास हो जाएगा। याद करना जरूर सकाश मिलेगी। आत्मा का परमात्मा के साथ गहरा कनेक्शन हो जाता है। ये भी किसी को याद करेंगे तो झट उनको बाप का साक्षात्कार हो जाएगा। बाप है तो बहुत छोटी बिंदी, और साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे कि ये किसकी आत्मा है, क्या है। फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है बहुत छोटी, परंतु याद करते हैं तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। कोई बच्चे में तो बिल्कुल खुशबुए नहीं है, ये आत्मा कोई काम की नहीं है। बाबा को तो अपना बगीचा याद पड़ता है, ये टांगर का फूल है, ये अक का है, ये रतन ज्योति है, बिल्कुल ही बाप को याद नहीं करते। बाप तो याद उन बच्चों को करते हैं, इन बच्चों को जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। उन बच्चों को याद करते रहते हैं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं, उनकी जो खुशबुएं आवेंगी तो जहाँ जहाँ खुशबुएं जावेंगी वहाँ अच्छे अच्छे फूल बनेंगे। बगीचे में वैरायटी वैरायटी फूल होते हैं ना, बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, इनके मुकाबले यह इतना नहीं है, तो पद भी कम होगा। बाप के जो मददगार बनते हैं वो उच्च पद पाते हैं। वो भी जो बाप की याद में सेवा करते हैं, याद करते ही रहते हैं, ब्राह्मण से देवता बन फिर ट्रांसफर भी ऐसे ही होते हैं। कोई आत्मा तो जैसे एकदम मक का फूल है, ट्रांसफर होती ही नहीं। हर एक के गुण तो याद आते हैं। यहाँ बाबा के पास आते हैं तो सुनाते हैं, कोई लिखते भी हैं हमारे में ये अवगुण है, और ये गुणों अवगुणों का वर्णन भी संगम युग पर ही कर सकते हैं। ये दैवी फूल है, आसुरी फूल है। फूल तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है। बाबा याद करते रहते हैं। टीचर तो अपने स्टूडेंट को देखेंगे ना, ये कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझते हैं ना, ये बाप भी है टीचर भी है। और बाप तो है ही क्योंकि बैठे हैं, परंतु टीचर पने का जास्ती चलता है, और टीचर को तो रोज पढ़ाना पड़े। इस पढ़ाई की ताकत से यह पद पाते हैं। सुबह को सवेरे गुरु बन बैठते हैं याद की यात्रा में,
इस समय टीचर बन बैठते हैं। बाप तो है ही, सुबह में तुम भाइयों को बाप की याद में बैठाते हो, वो सब्जेक्ट है याद की। फिर मुरली चलती है टीचर की, ये है पढ़ाई की सब्जेक्ट। तो मुख्य है ही याद और पढ़ाई, बस। इनको विज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। विज्ञान है याद, विज्ञान भवन नाम भी रखा हुआ है, परंतु कोई अर्थ थोड़े ही जानते हैं। कोई ने नाम रख दिया है, अभी हम तो कहेंगे ये है अच्छा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, जहां बाप आकर के सिखलाते हैं। ज्ञान से सारी सृष्टि की नाली मिल जाती है। विज्ञान अर्थात तुम योग में रहते हो, जिस योग में से तुम पावन बनते हो, तुमको विज्ञान का भी पता है। अभी बाबा द्वारा तुमको सारी दुनिया का मालूम पड़ जाता है, तो बाबा बच्चों को देखते रहते हैं, इसमें बहुत भूत हैं। देह अभिमान वालों में भूत होता है ना, देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे। और ऐसे भी नहीं है कि पुरुषार्थ करने से सभी के भूत निकल जावेंगे, सभी पुरुषार्थ करते भी नहीं, पुरुषार्थ करने वाले भी नंबरवार हैं, फक से भूत नहीं निकलते। हिसाब किताब सब चुप हो जावे, फिर अपनी चलन के अनुसार ही पद पावेंगे। क्लास ट्रांसफर होता है, वो दुनियावी क्लास होते हैं हद के, और ट्रांसफर भी हद का होता है। अभी तुम बच्चों की ट्रांसफर ऊपर हो रही है, पढ़ाई में भी ट्रांसफर होती है। बेसिक क्लास को छोड़ करके हायर क्लासेस में जाते हैं, तो जरूर ऊपर वाले ही क्लास में जाएंगे। अभी उस दुनिया की तो ट्रांसफर नीचे हो रही है, और तुम्हारी ट्रांसफर ऊपर की ओर हो रही है। तुमको इस बात का एहसास होता है कि हमारी पढ़ाई की भी ट्रांसफर नीचे से ऊपर की ओर हो रही है, तो देखो कितना फर्क है। वो लोग तो कलयुग की सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते हैं, और तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि से समझने का काम है, कौन ऊपर जाते हैं और कौन नीचे जाते हैं। तुम कहते भी हो हम तो संगम युगी ब्राह्मण हैं, पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है इस पुरुषोत्तम संगम युग में, और तुम्हारे लिए ही आते हैं। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी तो सभी हैं भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी की बातें। वो लोग तो भक्ति को बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि ज्ञान का उनको मालूम ही नहीं है, ज्ञानदाता का भी मालूम नहीं है।
पहले ज्ञान आता है या ज्ञान दाता है? आता है। पहले बुद्धि में ज्ञान आता है, बाद में ज्ञान दाता आता है। उनका तो है ही भक्ति मार्ग। जब उनको ज्ञान मिले तब ज्ञान सागर की पहचान हो। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम समझते हो हम भक्ति में नीचे ही उतरते रहते थे। ज्ञान के एक चिटकी से ही आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं, तो वहां ज्ञान की बात ही नहीं होगी। ये सभी बातें महारथी बच्चे ही सुन करके धारण करते हैं और सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहाँ से बाहर गए और खला, उनके ऐसी ही कर्मों की गति है। ये कर्म विकर्म अकर्म की गति भी बात ही समझाते हैं। जब समय होता है तब ही समझाते हैं। ये है कल्प का संगम युग। पुरानी दुनिया खत्म और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। विनाश सामने खड़ा हुआ है। तुम संगम युग पर खड़े हो। विनाश की भी तैयारियां हो रही हैं, स्थापना की भी तैयारियां हो रही है। और मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है। कितना भक्ति के घोर अंधियारे में पड़े हुए और अंधियारे में ही गिरते रहते हैं। इस अंधियारे में ले जाने के लिए कोई तो निमित्त होंगे ना, उनके दिल से निकलेगा क्या? अंधेरा कायम रहेगा। तुम तो अंधियारे के दुश्मन हो, वो अंधियारे के दोस्त हैं। सची भी दुनिया के दुश्मन हैं, उजाले के दुश्मन हैं। हाँ, रावण हैं। पांच विकारों को रावण कहा जाता है। भ्रष्टाचारी से विकार पैदा होते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करने वाले को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। और सत्युग में तो ये भ्रष्टाचारी अक्षर भी नहीं होगा और भ्रष्ट इंद्रियां भी काम करने वाली नहीं होंगी। इस सभा में भी वास्तव में भ्रष्टाचारी कोई रह नहीं सकेगा। जब तुम जोर भरेंगे फिर ये भी होगा कि कोई भ्रष्टाचारी इस सभा में ठहर नहीं सकेगा। ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। ये भ्रष्टाचारी तो यहाँ का वायुमंडल खराब कर देते हैं। ये आगे चल के पता पड़ता जाएगा। अभी पता नहीं पड़ता है। ऐसे छिप करके जो आकर के बैठते हैं उनको फिर चोट भी बहुत लगती है। बाप कहते हैं एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वर की सभा में बैठते बन करके बैठ जाते हैं तो झट पता पड़ जाता है। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी और भी पत्थर बुद्धि हो जाएंगे। 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे अपन को ही नुकसान पहुंचा देंगे। कहते भी हैं हम तो विकार में जाए क्लास में जाकर बैठते हैं, देखें इनको पता पड़ता है या नहीं, ये भिकारी हैं या निर्विकारी। अरे हमको क्या पड़ी है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा।
23 मार्च 1968 की वाणी का 30 अप्रैल तीसरा पेज। हमको ये जानने की भी दरकार नहीं है कि कौन क्या क्या कर रहा है। मैं कोई जानी जाना नहार छोड़ रही हूँ। इसको कहा जाता है आसुरी योग। एक एक असुर की वैश कर्म कहानी को याद मैं क्यों करूं? दुख देने वाले को कोई याद करता है क्या? कचहरी में भी कोई सब सच सच थोड़े ही बतलाते, बहुत छिपाते हैं। या कहते हैं पीछे बताऊंगा, अभी सबके सामने नहीं बताऊंगा। ये भी देह अभिमान हो गया। सभी के आगे सुनाने से कहेंगे ये तो कितना सच्चा है। साहब के सामने डंके की चोट अपनी कमियों को बता दिए। बाबा को तो सभी मालूम पड़ जाता है ना। जाया भी जाता है सच तो मिठो नच। जो सच्चा होता है वो जीवन में डांस करता रहता है। सच्चे कहेंगे तो डांस करेंगे अपनी राजधानी में। बाप तो है ही ट्रुथ गॉड फादर, तो बच्चों को भी कितना सच बनना चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना। बाबा बच्चों से पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है, तो सच्चे बच्चे कहते हैं बाबा इसमें है। झूठे क्या कहते हैं है? झूठे कहते हैं परम धाम में। कभी भी झूठ नहीं बोलो। परम धाम को छोड़ करके अभी दूर देश का रहने वाला पराए देश में आए हैं। उनको तो अभी बहुत सर्विस करनी है। क्या कहा, कौन से सन में कहा कि परम धाम से आने वाले बाप को अभी बहुत सर्विस करनी है? 68 में कहा। उसके तुरंत बाद बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो क्या सर्विस बंद हो गई? सर्विस तो बाबा की साकार में फिर भी चालू रहती है। वहां परमधाम वापस जाकर के क्या करेंगे? बाबा आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, पुरानी दुनिया का विनाश कराने, तो काम पूरा किए बगैर ही चले जाएंगे क्या? बाप कहते हैं मुझे तो यहाँ इस दुनिया में रात दिन सर्विस करनी पड़ती है। ऐसी कौन सी सर्विस रात दिन करनी पड़ती है? हैं? पड़ती है, पड़ती है माना मजबूरी है, करना ही पड़े। किए बगैर छुटकारा नहीं है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तो वहाँ परमधाम में जाकर के वापस क्या करेंगे? यहीं बहुत सर्विस करनी पड़ती है। संदेशियों को, भक्तों को भी साक्षात्कार कराता हूँ। हैं तो सब यहाँ ही। वहाँ परमधाम में तो कोई सर्विस नहीं। सर्विस बगैर बाबा को सुख नहीं आता है। हैं? वो भी सुख और दुख भोगता है क्या? इसलिए बोला बाबा को सुख नहीं आता है। बाबा माना साकार को सुख नहीं आवेगा सर्विस बगैर। सारी दुनिया
करनी है कि सर्विस करनी है? सभी पुकारते हैं बाबा आओ, कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। मनुष्य नहीं जानते हैं तो उन्होंने घोड़ा गाड़ी बनाई दिया है। अभी घोड़ा गाड़ी में कृष्ण कैसे बैठेगा? कृष्ण तो बच्चे का नाम है ना, ऐसे भी नहीं कि घोड़ा गाड़ी पर चढ़ने की कोई शौक होती है। कोई साहूकारों को करके कब दिल होती है घोड़ा गाड़ी पर सवार हो गए तो सवारी करके देखते हैं। वहां सचिव में तो ऐसी कोई चीजें होती नहीं है, दिल ही नहीं होती है। अमेरिकन जब यहाँ आते थे तो उनको घोड़े गाड़ी में बड़ा मजा आता था, परंतु इस बात में अपनी तो कोई बढ़ाई नहीं है। महासचिव में तो ऐसी कोई चीजें होती नहीं, तो देह अभिमानी और देही अभिमानी बनने की बातें भी सिवाय संगम युग पर और संगम युग के सिवाय और कब होती नहीं है। देही अभिमानी और देह अभिमानी का ज्ञान बाप के सिवाय कोई समझा न सके। तुम भी अभी जानते हो, आगे थोड़े ही जानते थे। क्या कोई गुरु ने ये बातें सिखाई? बहुत बहुत गुरु किए, कोई ने नहीं सिखाया। समझते हैं कोई गुरु से शांति का रास्ता मिल जाएगा। बाप कहते हैं शांति का सागर तो सिवाय एक गुरु के, जिसे कहते हैं सदगुरु, और कोई मनुष्य गुरु दे ही नहीं सकता। वो ही साथ ले जाते हैं सुखधाम और शांति धाम ले जाते हैं। और कोई को तो सुखधाम शांति धाम का पता ही नहीं है। अपन को कोई शूद्र समझते नहीं है, कलयुग में होते ही है सब शूद्र वर्ण। और इन वर्णों को तुम्हारे सिवाय कोई को पता भी नहीं है। यहाँ सुनते हैं फिर जाने से बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। उनको धारणा होती ही नहीं है। बाप कहते हैं कहाँ भी जाओ तुम्हारी बुद्ध रूपी पाकिट में ये तीन मूर्तियों का बैज पड़ा हुआ हो। बाहर पड़ा होगा इस फूल बूझ उस फूल बैज तो लज्जा भी आवेगी। बुद्ध रूपी पाकिट में ये बैज पड़ा हुआ होगा तो इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। ये तो बहुत कल्याण के लिए है, बाप ने बनवाया है। ये बैज का ज्ञान कोई को भी समझा करके दो। कोई अच्छा सेंसिबल मनुष्य होगा तो कहेगा इस पर आप खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो हर बात में होता ही है, गरीबों के लिए तो फ्री है क्योंकि बाप है ही गरीब निवाज। गरीबी भी धारण कर ले तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। पैसा है तो साहूकार भी ढेरों छपाई सकते हैं। किसके पास पैसे तो बहुत होते हैं परंतु कोई मनहूस होते हैं? इसने तो देखो प्रैक्टिकल करके दिखाया, सारे पैसों से ममत्व तोड़ दिया। ममत्व तोड़ना हो तो इससे सीखो। किससे?
है ब्रह्मा की। इसने सभी कुछ माताओं के हवाले कर दिया। बोला तुम ही बैठ करके संभालो, क्योंकि अभी तो ये ज्ञान मिल गया है जो बताता है कि पिछाड़ी में कोई की भी याद ना आवे। धन पद मान मर्तबा रहेगा तो याद जरूर आवेगा। अंतकाल जो स्त्री समझे, बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि होंगे तो वो अंत में याद जरूर पड़ेंगे, परंतु तुमने थोड़ा भी सुना तो प्रजा में तो जरूर आ जाएंगे। जाति धारण किया तो उच्च पद पा गई। बाप तो है ही गरीब निवास। कोई तो ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे बहुत होते हैं फिर भी मनहूसता दिखाते हैं, ये नहीं समझते हैं पहले पहले वारिस तो यही बनेगा। भगवान वारिसदार तो भक्ति मार्ग में भी होता है। भगवान को ही अर्पण करते हैं, उनको देते हैं ना, ईश्वर अर्थ क्यों देते हैं? समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर हमको आबदा में देगा। दूसरे जन्म में मिलता तो है ना। तो भक्ति मार्ग में जो दान पुण्य करते हैं वो एक जन्म के लिए मिल जाता है, या फिर कहते हैं सभी पर ग्रहण लगा हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर चिल्लाते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को तो सभी कुछ दान दे दिया, ये शरीर मित्र संबंधी आदि जो कुछ भी है सभी बाबा को अर्पण कर दिया। बाबा ये सब आपका है, अभी सारी शक्ति पर ग्रहण लगा हुआ है। तो ग्रहण कैसे एक सेकंड में छूटता है, कैसे काले से गोरे बनते हैं ये अभी तुम जानते हो। फिर औरों को भी समझाना पड़ता है, अंदर में समझते हैं, जो समझाए नहीं सकते हैं लेकिन सिर्फ खुद ही समझते हैं तो कहेंगे मनहूस, दूसरों को समझाए नहीं सकते हैं। 23 अप्रैल 1968 की वाणी का चौथा पेज। बाप कहते हैं अब दान दो तो छूटे तुम्हारा ग्रहण। अभी हम तो तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम देते जाओ तो भारत पर तथा सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वो उतर जाएगा। फिर सारी दुनिया के ऊपर बृहस्पति की दशा हो जाएगी। सभी से अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अभी तुम जानते हो भारत के ऊपर खास और आम सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है। अभी वो ग्रहण कैसे छूटे ये तो बाप है ना। बाप तो तुमसे सभी कुछ पुराना ले लेते हैं और विश्व की बात सही दे देते हैं। इसको बृहस्पति की दशा कहा जाता है। मुक्ति धाम में जो जाते हैं उनको बृहस्पति की ही दशा कहेंगे।
बृहस्पति की दशा वाले पहले पहले ही आवेंगे। देरी से आने वालों को क्या मिलेगा? बृहस्पति की दशा ही नहीं है जो स्वर्ग के पहले नंबर के सुखों को भोगे। और ये दशाएं भी बहुत समझने की चीज है। पढ़ाई में भी दशाएं बैठती है ना। बाबा नाम भी लेते हैं। इस समय अनुसार सबसे बोल मनोहर है, गंगे है, अच्छे अच्छे शरीर से बोल हैं। वेद में भी कौन हुए? वेद में भी ऐसे वेद की गंगे और वेद की मनोहर है जिनके सर्विस फील्ड में एडवांस में उतरने से कौन सी दशा बैठ जाएगी? सबके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। तो ये अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, इन पर बृहस्पति की दशा है। जो सर्विस नहीं करते हैं उन पर कहेंगे राहु की दशा। अपने ही धंधे धोरी में मस्त रहते हैं। तो देखो दशाएं चलती रहती हैं। इस समय बाप बहुत वर्णन करते हैं वो बातें, फिर भक्ति मार्ग में चलती है। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ है, हम भी बेसमझ थे। अभी बाप ने हमको पूरी समझ दी है। पूरा समझदार बनने से पहले पहले हम जावेंगे, ट्रांसफर तो होना ही है। यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे रुद्रमाला में। कहाँ से हैं? कौन बोला हैं? किसके मुख से बोला? ब्रह्मा के मुख से बोला। यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे रुद्रमाला में। कहाँ से? बेसिक नॉलेज से। कॉन्सेशन की बात है, अर्थ की बात है। वहाँ रुद्रमाला से फिर आएंगे अपना अपना वारसा पाने के लिए। नंबर वार मुक्ति और जीवन मुक्ति में जावेंगे। पहले ये ज्ञान बच्चों को बिल्कुल नहीं था। बहुत हैं जिनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है और कोई तो बड़े बुट्टू हैं, कुछ भी समझते नहीं। ऐसे मत समझो कि कोई बहुत याद करते हैं, नहीं। बाबा उनको कशिश करते हैं तो याद करते हैं। बाबा की ही कशिश आती है। सुबह को आकर बैठने से बाबा को बहुत मजा आता है। बच्चों को देख करके खुश होते रहते हैं, जैसे कि बाबा बगीचे में खड़े हैं। देखते हैं ये बड़ा अच्छा बच्चा है, इनमें तो ज्ञान नहीं है, ये मीडियम बच्चा है। तो बाबा सेंटर के सभी बच्चों को देखते रहते हैं। नाम रूप शरीर तो जरूर याद आता है ना, फलाने की आत्मा है। लिखते भी ऐसे हैं, मेरी आत्मा को तूफान आता है, ये होता है। बाप कहेंगे इनकी आत्मा बहुत अच्छी है और इनकी आत्मा तो सेकंड ग्रेड है। जितना जितना याद में रहेंगे उतना ज्ञान भी अच्छा लगेगा, सर्विस भी अच्छी करेंगे। अगर ज्ञान ही नहीं है तो
तो योग में भी, योग से भी सर्विस नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान से ही पहचान होती है बाप की। ज्ञान है तो योग से भी सर्विस कर सकते हैं, फायदा तो होता है ना। तो मुख्य है याद की यात्रा और ज्ञान अलग और बे। अलग को तो जरूर याद करना पड़े, बाप को याद करने करते विश्व के मालिक पने का बरखा ले लेते। अभी ये दुनिया पुरानी होती ही जाती है, नया मकान बन करके तैयार होता है तो सबकी दिल होती है अभी हम नए में जा करके बैठे, कहाँ यहाँ कचर पट्टी में पड़े हैं। दिल होती है, है? अरे दिल होती है, कहाँ जाकर के बैठे हैं? नए में जो जाकर के बैठते हैं उनकी फिर पुरानी दुनिया के घर से ममत्व टूट जाता है। बाप मिसाल तो ठीक देते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में बात बैठती है या नहीं बैठती? वो है हद की बातें, हद का मकान, और ये है बेहद की बातें। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए पीरी पर बहस लेकर के आया हूँ, हथेली पर नई दुनिया का नक्शा दे करके दिखाते हैं, देखो ये रहा नई दुनिया का मकान, नई दुनिया का संगठन। और दूसरा हाथ फैला के कहते हैं दो, पुरानी दुनिया का कफन दो तो नई दुनिया में आ जावे। बेहद की बातें हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ठीक ठीक तमो प्रधान आत्मा तो जा ही नहीं सकती है। सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है, बाकी शरीर छेछी बनता है, इसलिए वो गंगा में शरीर को स्नान कराने ले जाते हैं। तो बताओ बाकी आत्मा कहाँ जाएगी? अरे आत्मा में ही तो खाद पड़ती है विकारों की, सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी ऐसा ही बन जाता है। आत्मा में विकारों की खाद पड़ती है तो शरीर भी ऐसा ही बन जाता है। आग में चीज पवित्र होती है, ये भी योगाग्नि है। अभी तो सारी दुनिया में बहुत बड़ी आग लगेगी, शरीर सभी जल करके राख हो जावेंगे, आत्मा तो नहीं जलेंगी। आत्मा तो होती ही है अगर हमारा विनाशी। वो लोग समझते हैं आत्मा में परमात्मा लीन हो जाता है, तो सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं। कोई लीन हो जाने की बात नहीं है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प विकल्प हैं, हरेक के अपने अलग अलग, वो सब परमात्मा बाप में लीन हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की बातें नहीं सुनना, जो बाप सुना दे, जो बाप समझा दे वो बातें सुनो। सबसे जास्ती जो मीठी बातें वो ही करो, कोई से कड़वी बात नहीं करो। इसको दुख दिया तो गोया रावण की मत पर चले,
बाप तो कब किसको दुख नहीं देते हैं। ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, बाप के संग में रहते रहते कोशिश यही करते हैं मेरे द्वारा किसको दुख न हो। गाया भी जाता है, सत्य का संग तारे कुसंग बोरे, रावण का संग डुबोता है ना, सत्य के संग से चढ़ती कला होती है, रावण के संग से उतरती कला होती है। किसका मिसाल दिया है? अरे सुनते जाते भूलते जाते, अभी तो बोला यह भी पुरुषार्थी है ना, कौन? ब्रह्मा बाबा। बाप के संग में रहते रहते कोशिश यही करते हैं मेरे द्वारा किसी को दुख न हो। गाया भी जाता है, सत्य का संग तारे कुसंग बोरे, रावण का संग डुबोता है। किसका मिसाल दिया? ब्रह्मा का। रावण संप्रदाय का संग करते करते चंद्रमा की लीक कितनी रह गई है? चंद्रमा कलाहीन बनता है तो क्या बन जाता है? लीक मात्र रह जाता है। सत्य के संग से चढ़ती कला होती है, रावण के संग से उतरती कला होती है। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, इसलिए बाबा याद प्यार भी नंबरवार देते हैं। राजाई नंबरवार स्थापन होनी है ना, सभी तो राजा नहीं बनेंगे ना। हर एक की चलन से समझ सकते हैं ये राजा बनना है या नहीं बनना है। जो सभी से बोलोगे वो तो बहुत लवली चाहिए। बाबा ऐसे लवली बच्चों का नाम भी लेते हैं। आज कौन कौन का नाम लिया? मनोहर का और गंगे दादी का। तो बेसिक वालों का ही नाम लिया है, एडवांस की तरफ इशारा है। बेसिक वाले तो आया राम और गया राम, गंगे दादी ने तो शरीर ही छोड़ दिया। वो भी गंगे दादी कहाँ की थी है? उत्तर प्रदेश की, कानपुर की। गंगा कहाँ बहती है? गंगा भी उत्तर भारत में ही बहती है। और दूसरा नाम मनोहर दादी, क्या अर्थ हुआ? जो मन को हटा तरण कर लेती है, बाप के मन को भी हरण कर लेती है। बाप का मन कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। ज्ञान की खुशबू फैलाने से कितना नाम बाला हो जाता है। बाबा अभी सबका नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो सभी कहेंगे हमको भी अच्छे अच्छे फूल दो। हमको थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड क्यों भेज देते हो? महारथी घोड़े सवार प्यादे तो होते हैं ना। अच्छा बच्चों को ओम शांति।